भारत में सड़कों के जाल में कई तरह की सड़कें बिछी हुई हैं। बीते कुछ सालों में तो एक्सप्रेसवे बनने के लिए कई राज्यों के बीच प्रतियोगिता भी शुरू हो गई है। हम आमतौर पर हाईवे और एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों के जरिए अपनी मंजिल को तय करते हैं और आधुनिक सड़कों से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि ये जेब का बोझ भी कम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच बुनियादी फर्क भी होते हैं। ऐसे में हम आपको इनके बीच के अंतर के बारे में ही बताने जा रहे हैं। हम आपको एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच बुनियादी फर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला फर्क तो पहुंच का ही है, क्योंकि किसी हाईवे तक पहुंचने के लिए कई सड़कें होती हैं और बहुत सारे छोटे बड़े रोड इससे जुड़े हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए कुछ चिन्हित रास्ते ही होते हैं और वहीं से एंट्री या फिर एग्जिट लिया जाता है। सबसे पहले आप हाईवे और नेशनल हाईवे के बीच के अंतर को समझ लीजिए। हाईवे आमतौर पर जिलों या फिर शहरों के बीच बनाए जाते हैं और एक राज्य से शुरू हो जाते हैं और उसी राज्य में खत्म हो जाते हैं। इनसे गांव, शहर और कस्बों की सड़कें सीधे आकर मिलती हैं। लेकिन नेशनल हाईवे एक राज्य से दूसरे राज्य तक की सड़क को कहा जाता है जो लंबी दूरी तय करती है। यह नेशनल हाईवे 4, 6 या फिर 8 लेन तक के हो सकते हैं। नेशनल हाईवे के नाम भी नंबर्स पर आधारित होते हैं ताकि इनसे पहचान आसान हो सके। उदाहरण के तौर पर नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। देश में नेशनल हाईवे मुख्य तौर पर प्रमुख शहरों, पोर्ट और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसका निर्माण भी चारकोल या फिर कंक्रीट के जरिए किया जाता है और स्पीड लिमिट में आम सड़कों से ज्यादा रखी जाती है। इन सड़कों पर पैदल यात्रियों या फिर बिना मोटर वाले वाहनों के लिए स्पेस नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले हाई स्पीड गाड़ियां हैं। इन हाईवे का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से किया जाता है। साथ ही कई बार राज्य सरकार के PWDs भी इनकी देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनकी लागत वसूलने के लिए टोल भी लगाए जाते हैं, क्योंकि कई बार सरकार PPP मॉडल के तहत इनको तैयार करती। वहीं दूसरी तरह एक्सप्रेसवे सबसे हाईटेक और एडवांस सड़कों को कहा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। इन सड़कों पर स्पीड लिमिट से लेकर वाहनों के साइज के आधार पर उनकी लेन भी तय की जाती है। साथ ही अलग अलग वाहनों के लिए अलग स्पीड लिमिट तय की जाती है। इन सड़कों पर एडवांस ट्रैफिक सिस्टम, टोल प्लाजा, यात्री लॉज जैसी सुविधाएं होती हैं। एक्सप्रेसवे CCTV कैमरों से लैस होते हैं और यहां पर किसी भी तरह के तिराहे या फिर चौराहे रास्ते नहीं होते। अन्य सड़कों से जुड़ने के लिए यहाँ कुछ खास पॉइंट्स होते हैं और वह भी सीधे इस एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ती, बल्कि इसके लिए लूप का इस्तेमाल होता है ताकि हाई स्पीड वाहनों को हादसे से बचाया जा सके। देश में तैयार एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन के होते हैं और यात्रियों को बगैर रोक टोक के मंजिल तक पहुँचाते हैं। इन रास्तों पर फास्टैग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं ताकि वाहनों को टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े और ऑटोमेटिक पेमेंट के साथ ही वह अपनी मंजिल जल्द से जल्द तय कर सके। एक्सप्रेसवे आमतौर पर परिवहन मंत्रालय की ओर से ऑपरेट और मैनेज किए जाते हैं। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।